नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर आतंकी हमले, चाहे वो कश्मीर के इलाके हो या फिर जम्मू के कई इलाके हो, तो यहां पर आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है। आतंकवाद सक्रिय हो चुका है, जिसमें पूरे लोगों की बात की जाए तो काफी ज्यादा डर का माहौल है। इसी में एक और खबर जो है, ददोया इलाके से, पौनी तहसील जो रियासी में पड़ती है, वहां से खबर सामने आ रही है। और खबर ये है कि दो संदिग्ध लोग जो है वहां पर देखे गए हैं, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी भी मची हुई है, सनसनी जो है वो मची हुई है। और ये ददोया इलाका है पौनी का, जो रियासी में पड़ता है। यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, एरिया को खंगाला जा रहा है, क्योंकि लगातार आतंकवाद सक्रिय होता हुआ जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा की अगर बात की जाए, बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए, बैठक की जा रही है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की जो बात है वो इन आतंकियों के खिलाफ सामने आ रही है। क्योंकि सुबह सवेरे से भी अगर बात करें तो कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी थी, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया था। ये पाकिस्तानी आतंकवादी था और साथ ही साथ इसमें एक जवान भी शहीद हुआ था, जिसमें से आपको बता दें मेजर समेत 4 जवान घायल थे। तो लगातार जिस तरीके से आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अब वक्त आ चुका है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है इन आतंकियों के खिलाफ अपनाने की जरूरत है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर पौनी से सामने आ रही है, जहां ददोया इलाका है पौनी तहसील का, रियासी में पड़ता है, और दो संदिग्ध लोग देखे गए हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी जो है वो फैल गई है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन की बात करें और सुरक्षा बलों की बात करें तो ज्वाइंट ऑपरेशन जो है इनके द्वारा चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।